क्षेत्र में ग्रामीणों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा है कि क्षेत्र में भरपूर खनिज संपदा होने के बाद भी युवाओं को रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। ज्ञात हो धुर नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर में संचालित शारदा एनर्जी एंड पावर इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, बुरिया और गोदावरी एंड पावर लिमिटेड माइंस में स्थानियों को नौकरी नहीं मिल रही है। इसके अलावा खदान संचालक आसपास के गांव में विकास कार्य भी नहीं करवा रहे हैं। वहीं स्थानीय परिवहन समिति को काम नहीं हुए बाहरी लोगों को इसका लाभ पहुंच रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आज आए हैं जो प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में एसडीएम साहब है और अन्य विभाग के अधिकारी हैं, उनको हम उनको समय देते हैं कि हमारी मांग इतने दिन के अंदर हम हमारा कलेक्टर साहब के साथ एक बैठक हो और हमारी मांगों को सुनी जाए। हम लोगों ने 5 बिंदुओं पर अपनी मांग रखी है। सर्वप्रथम यह है कि नियमित कर्मचारी, यहाँ पर पूरे ठेका श्रमिकों के माध्यम से माइंस का संचालन किया जा रहा है तो उनको नियमित किया जाए। दूसरी है क्षेत्रीय परिवहन संघ, उनको परिवहन दिया जाए। तीसरा है सीएसआर का जो पैसा है वो ग्रामवासियों के माध्यम से ग्रामवासियों के लिए खर्च किया जाए। चौथा पॉइंट है यहाँ पर आईटीआई, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, ये सब चीजों का व्यवस्था किया जाए। और एक मांग और है जो बहुत ही मुख्य मुद्दा है, इसको हमको नहीं ये सरकार को करना चाहिए, रोड, इस रोड जो जिस रोड से आप लोग आए होंगे वो नेशनल हाईवे 930 है। ये लगभग नहीं 14 अप्रैल 2014 को ये घोषित हो चुका था और इसके साथ 4-5 नेशनल हाईवे घोषित हुए थे, सारे बन गए, ये बचा हुआ है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार मध्यस्थता का प्रयास किया गया है कि चर्चा के इस पर शांति वार्ता के रूप में कोई समाधान निकल जाए। जिस दिन आयोजन का प्रारंभ होना था उसके एक दिन पूर्व ही थाने में इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं कि बुलाकर सही पक्षों को, उसके बाद इनके द्वारा जिलाधीश महोदय से मुलाकात की गई थी, आपस में इनकी चर्चा की गई है। हमारे द्वारा फिर समझाइश की भी कोशिश की गई कि शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रयास हो जाए, ऐसा कोई शांति निकल जाए, प्रयासरत उस चीज के लिए हम उम्मीद है कि इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान हम निकाल पाएंगे। हमने 5 सूत्री मांगे अपनी रखी हैं और इसमें जो है रोजगार से संबंधित मामले और गाड़ियों के परिवहन के संबंधित मामले हैं। तो आज वो उनने पिछले 4 दिन से सांकेतिक धरने पे हैं और आज तक जम तो उनका था, लेकिन शायद हमें लगता है कि मध्यस्थता से बातचीत जो है बातचीत के थ्रू ही रास्ता निकल आएगा और ये कॉल ऑफ हो जाएगा। मतलब खबर पेंड्रा से है जहाँ